दोस्तों, आदिमानव को लेकर एक ऐसा प्रश्न है जिसे हर इंसान जाना चाहता है, और वह प्रश्न यह है कि आखिर आदिमानव का जीवन कैसा था। तो दोस्तों, चलिए आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं कि आदिमानव का जीवन कैसा था। आधुनिक खोजों से ज्ञात हुआ है कि लाखों वर्ष पूर्व इस पृथ्वी पर मानव का जन्म हुआ था। पहले मनुष्य चार पैरों पर चलता था और जंगलों में रहता था। वह पेड़ों की जड़े, पत्तियां, फल फूल इत्यादि खाता था। कुछ छोटे जानवरों को मारकर उनका कच्चा मांस खाता था। वस्त्र नहीं पहनता था, वह घूमता रहता था। ये वानर जैसा मानव खाने की तलाश इधर उधर दिन भर भटकता था, लेकिन रात होने पर जानवरों से सुरक्षा व ठंड बरसात से बचने के लिए गुफा जैसे स्थान मिलने पर उसमें रहने लगा। लेकिन वह अधिकांशतः पेड़ों पर चढ़कर ही रहता था और इस तरह रात में जंगली जानवरों से अपनी सुरक्षा करता था। संभवतः जब उसने ऊंचाई पर लगे पेड़ों के फलों को देखा होगा, तब उनको तोड़ने के लिए वह धीरे धीरे अपने शरीर को संतुलित करते हुए चार बजाय दो पैरों का उपयोग करने लगा होगा। इस प्रकार उसके दो हाथ स्वतंत्र हो गए होंगे, जिनका उपयोग वह धीरे धीरे किसी चीज को खोजने, पकड़ने व उठाने में करने लगा होगा। और इस तरह वह दो पैरों का उपयोग चलने एवं दो हाथों का उपयोग काम करने के लिए करने लगा होगा। इस तरह मनुष्य में धीरे धीरे शारीरिक परिवर्तन होते गए। जैसे जब वह पैरों पर खड़ा होने लगा तो अधिक दूर तक देखने लगा होगा। वह आसपास की चीजों को देखने के लिए पूरे शरीर को घुमाने के बजाय सिर्फ गर्दन का उपयोग करने लगा। हाथों का उपयोग पेड़ों की टहनियां पकड़कर फल तोड़ने, खाना लाने, खाना खाने के लिए करने लगा। इसी समय वह पीठ के बल सोने लगा होगा। इस प्रकार शारीरिक परिवर्तनों के साथ साथ मानव के सोचने की शक्ति का भी तेजी से विकास होने लगा। उसके स्पष्ट रूप से रोने व हंसने की आवाज में भी अधिक स्पष्टता आती गई होगी। निरंतर आते परिवर्तनों के द्वारा अब मनुष्य अपनी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, आवास व सुरक्षा के बारे में भी सोचने लगा होगा। भोजन की तलाश में घूमते रहने के साथ साथ वह भोजन इकट्ठा भी करने लगा और जंगल में जानवरों से बचाव करने के लिए लकड़ी, जानवरों की हड्डियों, सींगों, धारदार नुकीले पत्थरों का उपयोग करने लगा। उपरोक्त तरह के मानव अर्थात आज से लाखों वर्ष पुराने मानव को आदिमानव कहा जाता है। आदिमानव भोजन की तलाश में घूमता रहता था। थक जाने पर पेड़ों तथा पहाड़ों की गुफाओं में निवास करता था। पहाड़ों की चट्टान को शैल भी कहते हैं। शैल में निर्मित इन आश्रय स्थलों के कारण इन्हें शैलाश्रय भी कहते हैं। ये शैलाश्रय कहीं कहीं इतने बड़े हैं कि इनमें 500 व्यक्ति तक बैठे आश्रय प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं गुफाओं में बैठकर आदिमानव ने अपने दैनिक जीवन की क्रियाओं को चित्रित किया है, क्योंकि यह चित्र गुफाओं की चट्टानों पर बने हैं, अतः इन्हें शैल चित्र कहते हैं। भारत में सैकड़ों स्थानों पर ऐसे चित्रित शैलाश्रय मिलते हैं। मध्य प्रदेश में भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, होशंगाबाद, जबलपुर, सागर, गुना आदि जिलों में कई चित्रित शैलाश्रय से मिलते हैं। आदि मानव के पास हमारे जैसे वस्त्र नहीं थे। वे ठंड बरसात आदि से बचने के लिए वृक्षों की छाल, पत्तों तथा जानवरों की खाल से अपना शरीर ढंकते थे। इनके के साथ साथ लकड़ी, सीप, पत्थर, सींग, हाथी दांत और हड्डी से बने आभूषण का भी प्रयोग करते थे। ये पक्षियों के पंखों से भी आभूषण बनाते थे। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आदिमानव की यह जानकारी आपको पसंद लगी होगी। और कोई भी वीडियो की जानकारी पसंद आने पर क्या किया जाता है, यह आप अच्छी तरह जानते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।